अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों पर चला बुलडोजर, पुलिस ने जब्त की करीब 1.25 करोड़ की संपत्ति। अवैध संपत्ति करने वाले दो माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह से अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा रही है, उसी तर्ज पर संभल पुलिस भी अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने करीब 1.25 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। जनपद संभल की पुलिस के द्वारा आज माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर अभियोग में जेल गए शरीफ पहलवान व शमशाद, इनकी एक बड़ी भूमि को जिलाधिकारी महोदय के आदेश से सीज किया गया और कुर्क किया गया। इसमें इनकी जो भूमि है, इसकी बाजार में कीमत 1.25 करोड़ रुपये है। साथ में इसकी जानकारी है कि ये लगभग 165 हेक्टेयर भूमि इनके द्वारा अवैध रूप से कमाई गई थी, इसको आज कुर्क कर लिया गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें बने हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से ढहाया जा रहा है। धन्यवाद।